हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद द नीतू। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूखा सिंदूर किस तरीके से लगाना है, क्योंकि अभी करवा चौथ आने वाला है और सबको पसंद है सिंदूर लगाना। और अगर आप करवा चौथ के टाइम पे जो है सिंदूर लगाते हैं और अच्छे से रेडी होते तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए जो है मैं आज आपको बताऊंगी कि सिंदूर किस तरीके से लगाना है, सिंदूर सूखा जो है ना वो किस तरीके से लगाना है, जिस तरीके से हमारे यहाँ आपने देखा होगा रेखा जी लगाती हैं, बहुत ही अच्छा भर भर के जो सिंदूर लगाती है उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत करती हैं। तो आज हम बताएंगे सिंदूर कैसे लगाना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी मांग निकाल लेते हैं, क्योंकि मांग निकालना तो जरूरी है। ये देखिए मेरी कभी बीच की जो मांग है ना वो निकलती नहीं है। ये देखिए बीच की जो मांग है वो निकाल ली है। उसके बाद मैंने एक कॉटन बड लिया है और इसको मैंने पानी में गीला कर लिया है, जो पानी है इसमें गीला कर लिया है और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है ना उसे निकाल दिया है, मतलब ठीक है ऐसा। ओह नो, गिर गया, एक्सपेक्टेड था कि गिरेगा ये। जिस साइड गीला है ना साइड आपको सिंदूर लेना है, तरीके से भरना है। अच्छे से भर भर के सिंदूर लगाना है। आप यहाँ देख सकते हैं सिंदूर बहुत अच्छे से जो है वो फिल हो गए हैं। अभी थोड़ा सा जो है आगे इस तरीके से जो है थोड़ा सा आगे लगा दें, क्योंकि तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए विद इन अ सेकेंड जो है आपने लगा लिया, अदरवाइज सिंदूर जो है आमा फटता है, क्योंकि ये गीला बट था तो इसकी वजह से ना जो आपने बहुत इजी तरीके से लगा लिया। अब जो है सिंदूर तो लगा लिया, अब इसमें हेयर स्टाइल जो है वो कैसी करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने सिंदूर लगाया इस तरीके से तो आपको अगर आप जूड़ा लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे करना है आपको, आप इतने से जो आपके बाल हैं ना, क्योंकि ये आगे क्या थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, तो इतने आपको बाल छोड़ देने हैं और यहाँ के जो बाल हैं इस तरीके से छोड़ देना है। आप जो है राइट हैंड साइड में रबर बैंड लेंगे और रबर बैंड को इस तरीके से करेंगे और उसके बाद आप अपने बालों को इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ से पूरा जो है घुमाते हुए इसको इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद जो है ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे। यहाँ पर इस तरीके से रबर बैंड लगाने के बाद आपको अपना जो है इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर जो है लगा देना है, पिनअप कर देना है। जब भी आप हेयर बन बनाते हैं तो उसके साथ अगर आप कोई गजरा या कुछ लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये जो हेयर स्टाइल है विद इन एक मिनट में जो है बन जाता है। आप कभी भी इसे बना सकते हैं, आगे के बालों को इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना अच्छा जो है वो लुक आया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक मिनट में जो है मैंने हेयर स्टाइल भी बना ली और एक मिनट में जो है मैंने सिंदूर भी लगा दिया और आप यहाँ देख सकते हैं जो हेयर स्टाइल है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही। और मैंने इसमें जो है रबर बैंड पिंक लगाई थी ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए और ये जो जूड़ा है ये आप कितना भी हिलोगे ना ये खुलेगा नहीं। आप डेली यूज़ में भी जो है ना इसे बना सकते हैं और सिंपल सा जूड़ा है और बस जो आप थोड़ा हेयर एक्सेसरीज जब इसके साथ ऐड कर देते ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर हेल्पफुल रहा हो तो क्या करना है पता है ना, हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना है, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि मेरे जो भी नए वीडियो हों वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये वाला हेयर स्टाइल एंड आप चाहें तो इसमें यहाँ बीच में जो है मांग टीका भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।